नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, खबर रायपुर से है जहां पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा और सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के आरोप लगाए। उनका कहना है कि सरकार के संरक्षण में अधिकारी लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं और ईडी की कार्यवाही से सीएम परेशान हो रहे हैं। उन्होंने सरकार से भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई करने की मांग की है और कहा है कि अगर सीएम भ्रष्टाचार को कम नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। खून पसीने का पैसा है, ये लोक धन की लूट है। मुख्यमंत्री जी तो सोते हुए जागते हुए ईडी का नाम लेते रहते हैं। कल का ही उनका बयान था कि चुनाव तक ईडी रहेगी। चुनाव तक ईडी नहीं रहेगी, ईडी तो स्थायी संस्था है, ईडी तो सब दिन रहने वाली है, चुनाव तक थोड़ी रहने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा आग्रह है कि अगर उनको लगता है कि कोई प्रमाण उनके पास है, कोई दस्तावेज है, तो वो प्रस्तुत करें। कौन रोका है? आज तो सरकार में है, वो जनता के सामने में उनकी नैतिक जिम्मेदारी और प्रदेश के मुखिया है। ये सरकारी योजनाओं के लिए आपके पास पैसा नहीं। प्रधानमंत्री आवास 16 लाख प्रधानमंत्री आवास, छत्तीसगढ़ के मैचिंग ग्रांट नहीं दिए जाने के कारण गरीब अपने छत से वंचित। और ये दुर्भाग्य है कि एक अधिकारी के पास में 4.5 करोड़ रुपए उसे घर से निकलता है, सोना निकलता है। मुख्यमंत्री जी किसानों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, कहते हैं कि हम गढ़ो नवा छत्तीसगढ़, तो यही छत्तीसगढ़ को गढ़ रहे हैं क्या मुख्यमंत्री जी? खून पसीने का पैसा है, ये लोक धन की लूट है। खबर सुकमा से है। क्षेत्र की पहली एकमात्र ऐसी ग्राम पंचायत है मारुकी की अनोखी, हैंडपंप से लगातार 35 वर्षों से जल की धारा बहती है। बता दें कि हैंडपंप से बिना हैंडपंप और हैंडल और बिना पाइप के 24 घंटे लगातार पानी का प्रवाह होता है, जिसमें कि बिजली की भी जरूरत नहीं पड़ती है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि जब बोरिंग के लिए खोदा गया तब स्रोत पहुंचते ही जल की धारा बहने लगी और आज तक रुक नहीं रही है। गर्मी हो या बरसात, 12 महीने पानी की धारा बहती है। यहाँ के वासियों के किसी भी तरह की पानी की किल्लत नहीं होती है। इस खास पारा में लगभग 50 से 60 परिवार निवास करते हैं। बता दें कि यह गांव दोनों पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। जो बोर कराए उसके समय बोर कराने के तुरंत बाद ऐसा पानी निकलना चालू हुआ, तो उसके बाद में चालू हुआ। पहले तो बोर खोदाए, जब खोदाए तब वो निकलने की सकती है। अच्छा, बोर खोदाते ही निकलना चालू हुआ तुरंत? तब तो पूरा पूरा भर रहा है, तो चल रहा है। अच्छा, एकदम फेंक रहा था आप यहाँ निकलना चालू हुआ? नल भी नहीं था लेकिन ऐसे निकल रहा है। उसके बाद में वाला फिट किया गया तो बीच में टहलने की कभी जरूरत नहीं पड़ी? नहीं, ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं करे बोरी के बाद में फटाफट ठीक कर दी, बस ज़्यादा लेट नहीं हुआ। तो यहाँ पर किसी भी शिकायत आए, आयरन है, खराब पानी, ऐसा कभी निकला? एनी टाइम शुद्ध पानी निकला। मैं बालक राम यादव और हर खबर से अभी हम पहुँचे हैं ग्राम पंचायत मारुकी, ये सुकमे जिले के अंतर्गत आती है। यहाँ पर बोरिंग कराया गया है, वहाँ पर ना हैंडल है, ना पाइप है, ना बिजली की जरूरत है, यानी कि बिना बिजली से यहाँ पर पानी निकलती है, वो भी लगातार लगातार बिना ब्रेक लगाए यहाँ पर पानी निकलती है। तो आपको अभी हम वो तस्वीरें दिखाएंगे, यहाँ के आसपास के जो ग्रामीण हैं, घर के जो ग्रामीण हैं, यहाँ के पानी हर रोजाना बिना मेहनत के पानी भरते हैं, ना हैंडल को हिलाना पड़ती है, ना हैंडल की जरूरत है, ना इस बोरिंग में हैंडल भी है। चलो तस्वीर हम थोड़ा सा दिखाएंगे अभी दर्शकों को, हम दिखाना चाहेंगे तो कैमरा मैन से कहूँगा थोड़ा तस्वीर को भी पास लाएंगे और जो यहाँ पर इधर से दिखाएंगे तो जो धारा जो बह रही है उसको आप दिखाएंगे तो धीरे से, तो ये देख सकते हैं धारा, ये देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का पाइप नहीं है, ना बिजली की व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल लगातार बिना ब्रेक बिना रुके
चौबीसों घंटा रात और दिन ये जो पानी है बहते रहती है। मतलब बता दूं आपको, ये पानी की जो धार है आज यहाँ के लोगों के लिए वरदान साबित हो चुका है, यहाँ के लोगों के लिए एक अमृत साबित हो चुकी है, यानी पाताल से निकल रही है, यानी पाताल की ओर से यहाँ पर निकल रही है। कि इस पानी को अगर पिया जाए किसी भी तरह का किसी प्रकार की कोई भी यहाँ पर इफेक्ट नहीं है, यानी कि अगर हम आयरन की अगर बात करें आयरन भी यहाँ पर नहीं इस पानी में, टोटल शुद्ध यानी कि मिनरल कहा जाए मिनरल पानी है यहाँ पर। यानी कि हम मार्केट में इस पानी को लगभग 20 रुपए लीटर में पीते हैं, लगभग उसी पानी यहाँ पर आपको मुफ्त में मिलेगी और मुफ्त में पीने को मिल रही है। तो ये तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं। उधर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश के पहले राज्य स्तरीय बृहद जेल लोक अदालत का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि प्रदेश में पहली बार निरुद्ध बंदियों की रिहाई के संबंध में जेल लोक अदालत का आयोजन हुआ। दरअसल छत्तीसगढ़ से सुप्रीम कोर्ट में सजेशन दिए गए थे कि ऐसे कैदी जो 65 साल से ज्यादा हैं या जमानत मिलने के बाद भी कई कैदी जेल में हैं, साथ ही जो जमानत प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं वो भी जेल में रहते हैं, ऐसे में जेलों की में भीड़ बहुत बढ़ जाती है, इसलिए ओवर क्राउडिंग को कम करने के प्रयास से ऐसी जेल अदालत का आयोजन किया गया है। गौतम भादुड़ी ने का शुभारंभ किया। उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति हैं और जेल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया है। ये कन्विक्शन ट्रायल के बाद जब कन्विक्शन नहीं न होना तो उसका ये प्रतीत होता है कि वो उसमें ही वॉज नॉट ए कल्प्रिट नहीं था। तो उसी चीज को फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए उस चीज को उसकी जो राइट है उसको जो मिल सके उसके लिए ये एफर्ट किया जा रहा है। और हमें ये बताने में अत्यंत खुशी है, छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां पे इस तरह की ये जो हमने स्टेप लिया कि ये कैदियों को उनके जो मानव अधिकार है उनको उनकी रक्षा करने के लिए पहला राज्य। वक्त छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। Thank you.
advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our honorable director sir always says, PKCI is not an institution, it's family. And I'm very proud to be part of PKCI. Thank you. सफलता की राह में बीकेसीआई के साथ मैं लक्ष्मण साहू माई पी एच डी रैंक इज 72। माई नेम इज अनिल साहू स्टूडेंट ऑफ बीकेसीआई माई ओवरऑल रैंक 30। माई सेल्फ आकिब खान स्टूडेंट ऑफ बीकेसीआई माई ओवरऑल रैंक इज 51। मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा सीजीपीएटी में ओवरऑल रैंक 49। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते हैं। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आज 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई एग्री कार्निवल का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर महंत ने कहा कि इस कृषि मड़ई में देश विदेश से आए कृषि वैज्ञानिक शामिल हो रहे हैं, उनके तकनीकी ज्ञान का लाभ राज्य के किसानों को जरूर होगा। उधर रायपुर में ईडी की छापेमारी जारी है। ईडी ने अपनी छापेमारी के दौरान 6.5 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। रायपुर की विशेष अदालत ने कोयला घोटाले में शामिल 3 आरोपियों को 8 दिन के लिए हिरासत में भेज दिया है। नकदी सोना जब्त किया है। ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। ईडी की कार्रवाई को लेकर यहां ईडी ने अपनी छापेमारी के दौरान 6.5 करोड़ रुपए जब्त किए हैं और साथ ही 3 आरोपियों को हिरासत में भेजा है। रायपुर में खबर मनिंद्रगढ़ से है, जहां चिरमिरी नगर निगम में भ्रष्टाचार का अनोखा मामला देखने को मिला है। दरअसल चिरमिरी नगर निगम में स्वच्छता सर्वेक्षण वॉल राइटिंग के नाम पर हुआ घोटाला सामने आया है, जिसे लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और पूर्व महापौर डोमरू रेड्डी ने अपने ही पार्टी की महापौर कंचन जायसवाल पर स्वच्छता के नाम पर घोटाले का आरोप लगाया है और कलेक्टर पीएस ध्रुव को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में बताया गया कि एक ही काम का 3 बार भुगतान निकालकर अनोखा घोटाला किया गया है। पूर्व महापौर ने आरोप लगाए हैं, भ्रष्टाचार का अनोखा मामला सामने आया है। स्वच्छ सर्वेक्षण वॉल पेंटिंग के मैं यहां पर घोटाला देखने को मिला है। पूर्व महापौर ने ये आरोप लगाए हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण बॉल राइटिंग का घोटाला, इसको लेकर पूर्व महापौर ने आरोप लगाए हैं। देखिए, हमारे चिरमिरी नगर निगम में भ्रष्टाचार के एक अनोखा कारनामे को अंजाम दिया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर जिस तरह से पैसों की बंदरबांट हो रही है, तो उसका एक खुलासा लेकर मैं आज कलेक्टर साहब को अवगत कराने आया हूँ। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर जो जगह जगह वॉल राइटिंग हुए हैं, अजीब स्थिति है हमारे यहाँ नगर निगम प्रशासन की कि 2020 में जो वॉल पेंटिंग हुआ था उसको अगले वर्ष 2021 में 2020 के जीरो को मिटाकर, केवल एक अंक जीरो को मिटाकर एक कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही ईडी की कार्रवाई को लेकर प्रदेश के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू का बयान सामने आया है। गृहमंत्री
और साथ ही आपको बता दें कि आरोप लगाया है मुख्यमंत्री ने इस विषय पर कहीं जो कि गलत कहे उसके लिए लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन बार बार भय वातावरण दिखाई देता है। ईडी और आईटी के लोग कई बार आ चुके हैं, आगे कहा कि जब आप छापा मारते हो तो जानकारी तो दो, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहां से हो रहा है और क्यों निकल रहा है, ये सब जो है आरोप लगाए गए हैं। ईडी की कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का बयान सामने आया है, केंद्र सरकार पर जो है कहीं ना कहीं केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है, डर का माहौल बनाया जा रहा है। तो लगातार चलते रहता है बैठक, क्योंकि आप सबको मालूम है कि नक्सली मूवमेंट को विकास के जरिए एक किनारे में लाने में हम लोग काफी सफल हुए हैं, उसमें और किस ढंग से उसको अच्छा किया जा सकता है उस पर चर्चाएं होंगी, और विशेषकर नक्सल वाली बैठक पर हम लोग बाहर कोई चर्चा तो करते नहीं, क्योंकि गोपनीय रणनीति होती है। अधिकारी सीआरपीएफ के, हमारे छत्तीसगढ़ के पुलिस के सभी लोग मिल बैठकर रणनीति बनाते हैं। तो लगातार चलते रहता है बैठक, क्योंकि आप सबको मालूम है कि नक्सली मूवमेंट। खबर रायपुर से है जहां बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि हम छत्तीसगढ़ की लोगों के जेब में पैसा डाल रहे हैं और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की धरती पैसा उगल रही है। साथ ही उन्होंने ईडी की कार्रवाई को लेकर कहा कि अधिकारियों की गिरफ्तारी क्यों हुई है, इससे इस सरकार में भ्रष्टाचार साफ दिखाई दे रहा है। अगर देश में करप्शन नहीं है तो ये पैसे कहां से निकल रहे हैं। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ था कि नए खदान को लेकर के, और किस प्रदेश को क्या नुकसान होगा ये मुझे मालूम नहीं है और ना मेरा विचार करने का विषय है, लेकिन यहाँ पर जो सर्वसम्मति से पारित हुआ है तो वो कायम रहना चाहिए, क्योंकि विधानसभा के अंदर पारित हुआ है तभी उसकी विश्वसनीयता है, नहीं तो उसकी विश्वसनीयता समाप्त हो जाएगी। भक्षुड से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। Thank you.
senior juniors and future PhD aspirants, BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our honorable director sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में बीकेसीआई के साथ मैं लक्ष्मण शाह माई पीएचडी रैंक 72। माय नेम इज अनिल साहू, आई स्टूडेंट ऑफ बीकेसीआई, माय ओवरऑल रैंक 30। माय सेल्फ आकिब खान, स्टूडेंट ऑफ बीकेसीआई, माय ओवरऑल रैंक इज 51। मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा सीजीपीएटी में ओवरऑल रैंक 49। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते हैं। सुकमा जिले के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पालेम में बैठक संपन्न हुई है, जिसमें प्रमुख रूप से पूर्व विधायक और राज्य सचिव कामरेड मनीष कुंजाम की मौजूद रहे। इस अवसर पर पार्टी के ब्लॉक सचिव गंगाराम नाग, एआईएसएफ प्रदेशाध्यक्ष महेश कुंजाम और उमेश मरकाम समेत समस्त कार्यकर्ता और आम जनता उपस्थित रहे। हालांकि बैठक के दौरान झमाझम बारिश होने के बाद भी लोग मनीष कुंजाम का भाषण सुनने के लिए टटे रहे। बैठक में नेता समेत जनता मौजूद रही। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक हुई, तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, राज्य सचिव मनीष कुंजाम ने इसकी अध्यक्षता की और साथ ही साथ भाषण को सुनने के लिए लोग भारी बारिश में भी डटे रहे। राज्य सचिव मनीष कुंजाम ने अध्यक्षता की, बैठक में नेता समेत जनता मौजूद रहे। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पर दिवाली से पहले कर्मचारियों को तोहफा दिया गया है। सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी की गई है। वित्त विभाग के अपर सचिव ने जारी किया आदेश। कर्मचारियों का डीए 28% से बढ़कर 33% हुआ है। इससे पहले अगस्त में बढ़ा था डीए 22% से 28% हुआ था। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, दिवाली से पहले कर्मचारियों के लिए तोहफा दिया गया है। सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है, 5% की बढ़ोतरी हुई है। वित्त विभाग के अपर सचिव ने जारी किए हैं आदेश। तो आदेश की सूची आपके सामने, दिवाली से पहले कर्मचारियों को तोहफा। साफ तौर पर रायपुर से आप तस्वीर देख रहे हैं, बड़ी खबर। और ये तस्वीर उस आदेश की जो कि जारी किए गए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।